हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल एंड डिफरेंस इक्वेशन। तो देखिए, ये जो होता है हैरोड जो ग्रोथ मॉडल होता है, तो इसमें क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहाँ इक्वल होते हैं तो वहीं पे जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है। तो ये ऑलरेडी आपको इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो है हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द इनकम। ये क्या बता रहा है हमारा YT-1 क्या बता रहा है, ये बता रहा है चेंज इन इनकम। ओके, चेंज इन इनकम के प्रोपोर्शनल में। और 2.5 जो है ये हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो को बताता है, ठीक है। आगे सेविंग है और ये सेविंग रेट को बता रहा है, 0.1 हमारा सेविंग रेट को बता रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इस पर पूछ रहा है कि हमें इस डिफरेंस इक्वेशन फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना है। डिफरेंस इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, तो आपको पता है कि हमारा कंडीशन जो बन रहा है इन्वेस्टमेंट, ओके, क्या बन रहा है कंडीशन, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग का बन रहा है। तो ये मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई इन्वेस्टमेंट आ गया मेरा, ठीक है। ये टाइम पीरियड टी, ओके, एड इक्वल टू ये सेविंग के इक्वल हमारा बन रहा है। तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए, इसी को अप्लाई करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है, इन्वेस्टमेंट इज़ 2.5 YT-1, ओके, दैट इज़ इक्वल टू सेविंग, एंड सेविंग इज़ 0.1 YT। ओके, इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाइंग, दैट इज़ YT-2.5 YT-1, दैट इज़ इक्वल टू 0.1 YT। इतना हो गया। अब देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे मैं, तो ये बन जाएगा हमारा 2.5 YT, ओके, माइनस 2.5 YT-1, और ये माइनस 0.1 YT इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए YT यहाँ पे है, तो इनको ये माइनस हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 2.4 YT, ठीक है, माइनस 2.5 YT-1 इक्वल टू 0 आ गया हमारा, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस इक्वेशन का फॉर्म बन गया, तो दैट इज़ नोन एज द, क्या बन रहा है, ये डिफरेंस इक्वेशन बन रहा है हमारा, दिस इज़ द डिफरेंस इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम पार्ट बी में आ रहे हैं, ठीक है। पार्ट बी में हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, मैं फिर से वंस अगेन आई एम राइटिंग इट एज इट इज़, दैट इज़ ए YT-2.5 YT-1, ओके, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि YT को मैं किसके इक्वल पुट करूँगा, दैट इज़ मैं इसको बीटा T के इक्वल पुट कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.4 बीटा T, ओके, माइनस 2.5, और ये आ जाएगा बीटा T-1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हम यहाँ के करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है जो हमारा माइनस में है, तो इसको लेंगे हम, तो ये आ जाएगा बीटा T-1, ठीक है। इनसाइड में करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4, और यहाँ पे एक बीटा एक्स्ट्रा है, बीटा टी तो है पर माइनस वन है, तो हम यहाँ पे एक बीटा यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इससे फिर माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज़ द -2.5, ओके, दिस इज़ इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन 2.5 बीटा -2.5 इक्वल टू 0, ओके, तो यहाँ पे आएगा 2.4 बीटा इक्वल टू 2.5, ओके। तो यहाँ पे देखिए यार, बीटा हमारे किसके इक्वल आ रहा है, अब ये आ रहा है 2.5 अपॉन 2.4, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, ये हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1.04 आ गया, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया ये आ गया 1.04, ये बीटा का वैल्यू आ गया, मैं इसको यहाँ पे बीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास बीटा का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, जो बीटा का वैल्यू आया इसे इक्वेशन में, आपको पता है कि जो ये क्या था, ये मेरा लीनियर होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन था, कौन सा था ये, ये फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस होमोजीनियस ये डिफरेंस इक्वेशन था, ठीक है। अब इसको देखिए, तो इसमें क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, वाई टी आपको पता है हमने क्या करते थे, यहाँ पे ए जो कांस्टेंट है यहाँ पे, और ये बीटा और ये टी करते थे। तो देखिए इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो ए का वैल्यू अभी हम नहीं लिख रहे हैं, बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1.04 आ रहा है, ओके। और मैं इसको टी करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जब टी जीरो है तो क्या है, टी जीरो है, टी इक्वल टू जीरो तो ओके, नहीं टी जब जीरो है तो वाई जीरो हमारे पास कितना है, ओके। टी जीरो में जो वाई नोट जो आ रहा है हमारा वो एट आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे मैं एट लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ये 1.04 और यहाँ पे मैं जीरो कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ का पावर जीरो होता है, जैसे एक्स का पावर जीरो होता है ये वन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा, दैट इज़ वन, और यहाँ पे ये वन हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, एट आ गया। अब हमें यहाँ पे ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि वाई टी इक्वल टू एट, ओके। और यहाँ पे लिखूँगा मैं 1.04 टी, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया, यहाँ तक मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें इसका पूरा सीक्वेंस निकालना है जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, कहाँ तक, पीरियड सेवन तक हमें कैलकुलेट करना है। पीरियड सेवन तक पूछा हुआ है टी इक्वल टू सेवन, ओके। टाइम पाथ पूछा हुआ है, तो प्लॉट द टाइम पाथ, प्लॉट द टाइम पाथ कहाँ से, ओके, टी टी जीरो से टी जीरो टू टी सेवन, ठीक है। इनमें बीच में करना है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन है हमारे पास वाई टी इक्वल टू एट 1.04 टी आ गया, ओके। तो देखिए हम अलग अलग पीरियड की बात करते हैं, तो देखिए टी पीरियड जब हमारा ज़ीरो है, ठीक है, टी पीरियड क्या है हमारा, जब ज़ीरो है यहाँ पे, वाई टी ज़ीरो है तो किसके इक्वल है हमारा, ये एट के इक्वल है, ठीक है। जब ये वाई टी जो है हमारा ये वन हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8 1.04, और यहाँ पे मैं वन करता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 8.32, और वाई टू में टू पीरियड में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 8 1.04, और यहाँ पे टू आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.65 के इक्वल हो जाएगा। देन हम वाई टी में जाएंगे, ये 8 हो जाएगा 1.04, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 9 के, ओके। अब इसके बाद 4 में जाएंगे, तो ये वाई 4 हो गया, ये 8 आ गया, ये 1.04, तो इसमें 4 करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.35 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हमने, तो इसके आगे हम चलेंगे तो ये आ जाएगा 5 में, चले जाते हैं वाई 5 में, तो ये आ जाएगा 8 1.04, और ये 5 में यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू 9.73। और इसी तरह y 6 में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ 8 1.04, ये 6 करता हूँ तो 6 पीरियड आ जाएगा 10.12, ओके। और इसके बाद मैं y 7 में जाता हूँ तो 8 कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1.04, और ये आ जाएगा हमारा 7, और 7 इक्वल टू 10.53 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा वीटा का वैल्यू क्या है, वीटा का वैल्यू, वीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो दैट इज़ ग्रेटर देन 1, और उसका वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, इसका वैल्यू है 1.04, ठीक है, और पॉजिटिव भी है। इट मीन्स कि हमारा जो है, जो सीरीज जो है, ये जो भी सिस्टम आ रहा है ये डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है इसमें। तो डाइवर्जेंस आता है तो किस तरह से जा रहा है, ये देखिए, जब भी पॉजिटिव चीज़ होगी ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि टाइम, ओके, तो यहाँ पे क्या बात है कि ये टाइम पाथ इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम पाथ इज़ डाइवर्जेंट, डी आई मतलब डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। अब हमें आगे क्या करना है, ये देखिए कि मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि डायग्राम के थ्रू पूछा गया है कि
जब एक डायग्राम बनेगा तो ये किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इनिशियली क्या है हमारा वैल्यू क्या है, तो आप इनिशियली देखो तो जीरो पीरियड में देखें तो 8 है, ठीक है। देन ये इंक्रीज होता जा रहा, मैं चलो फर्स्ट पीरियड की बात करता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट पीरियड में हमारा इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, एक मिनट, ये अलग अलग पीरियड में बनेंगे, जैसे जैसे ये बन रहा है हमारा, यहाँ पे ये मैं करता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट पीरियड आ गया, और इसी तरह हमारा सेकंड पीरियड आएगा, वो इस तरह से आएगा, ये सेकंड पीरियड, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो जैसे मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, जैसे सेकंड पीरियड आ रहा है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये सेकंड पीरियड का आ गया, इस तरह ये थर्ड पीरियड का आ गया, और इसी तरह ये मैं इसको फोर्थ पीरियड लिख रहा हूँ, ये फोर्थ पीरियड आ गया, ये फिफ्थ पीरियड आ गया, ओके। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या है, डाइवर्ज हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू जो है अपवर्ड मूव कर रहा है, ये वैल्यू सीधा अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये क्या मतलब बता रहा है, ये अपवर्ड का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे इस तरह से ये वैल्यू जा रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि ये डाइवर्ज हो रहा है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, ये जो है हमारा जो पहले का हमारा रियल वन वैल्यू था उससे ये बिल्कुल डाइवर्ज होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये डाइवर्जेंट सीरीज बन जा रहा है, ये डाइवर्जेंट मोमेंट मोमेंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको देखना है कि जब भी आपको जैसे वीटा का वैल्यू है, अगर वीटा का वैल्यू जो है लेस देन वन आता, पॉजिटिव होता, तो ये कन्वर्जेंट होता, ठीक है, नीचे की तरफ जाता। अगर ये वीटा का वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रहा है तो यहाँ पे कोई क्या चीज़ होती है, फिर ये डाइवर्जेंट हो जाता है, ऊपर की तरफ ही मूव करता जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।